निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरसा में अपने विधायक मत से 2 लाख की राशि से 695 रेबीज का इंजेक्शन स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ईला राय को सुपुर्द किया, जिसमें 400 रेबीज का टीका निरसा सीएचसी के अंतर्गत रहेगा। वहीं 295 रेबीज का टीका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरकुंडा के प्रभारी डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद सिंह को सुपुर्द किया गया। वहीं इस संबंध में विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बताया कि निरसा क्षेत्र में लोगों को कुत्ता काटने से पीएमसीएस धनबाद जाना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब रेबीज का टीका निरसा स्वास्थ्य केंद्र और चिरकुंडा स्वास्थ्य केंद्र में ही मिलेगा और हर संभव मेरी यही कोशिश है कि हर साल ऐसी योजना स्वास्थ्य से संबंधित हर कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि मैं निरसा की बेटी हूं और निरसा के लिए हर समय खड़ी रहूंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोताही बरतना नहीं चाहती हूं। इसलिए हर संभव हो सके मैं जितना हो सके निरसा के जनता के लिए खड़ी रहूंगी। निरसा विधानसभा में आए दिन, क्योंकि विशेष करके गांव से जुड़ा हुआ जो रोड के जो कुत्ता है और जो काटता है वो देखा जाता है, साधारण गरीब आदमी को ही मतलब इस तरह का कुत्ता काटता है, शिकार होना पड़ता है। तो इसको देख के, क्योंकि ये तो बहुत कम पैसा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग के लिए है, बीपीएल के लिए है, हमको लगता है एक इंजेक्शन में 200-300 रुपया लगता है। तो इसको देखते हुए आए दिन, क्योंकि 2005 में जब हम विधायक बने थे उस समय भी हम मतलब अपना विधायक फंड से 1 लाख रुपया हम हर साल 1 लाख रुपया करके देते थे जो कुत्ता काटता है वो इंजेक्शन के लिए। तो इस बार भी हम 2 लाख रुपया अपना विधायक फंड से दिए हैं और जो निरसा स्वास्थ्य केंद्र को 495 निरसा को और चिरकुंडा को 295 लग 695 इंजेक्शन हम अपना विधायक फंड से दिए हैं। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट आइए और यहां से अपना जो इंजेक्शन है वो लीजिए, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इंजेक्शन यहाँ और चिरकुंडा में रखा हुआ है, आप लोग क्योंकि बहुत दिक्कत नहीं होगा। और भी अगर जरूरत पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग में विधायक से, विधायक फंड से, हम यहाँ तमाम हमारे डॉक्टर्स यहाँ हैं और जितने भी यहाँ इस हॉस्पिटल में जो भी असुविधा है, सिर्फ कुत्ता काटने इंजेक्शन ही नहीं, जो भी असुविधा है और उसको बेहिचक हमको बताएं। हम बीच बीच में मीटिंग भी करते हैं, आप लोग देखते हैं, हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, विशेष करके स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में लगातार हम चिंतित रहते हैं कि कहाँ मेरा मतलब डॉक्टर का सुविधा है, कहाँ दवाई का सुविधा है, क्योंकि इस पर हम विधानसभा में भी लगातार क्वेश्चन करते हैं कि जनता को किसी तरह से कोई असुविधा जैसे नहीं हो, और इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं और जनता का अपार आशीर्वाद है, प्यार है, हम काम करेंगे। धन्यवाद।